हमारी न्यू प्लान, आज हम लोगों का एनिवर्सरी है तो हम लोग सोचे कि कहीं बाहर निकलते हैं और इतनी गर्मी है कि हम बनाने का मन नहीं किया, बिल्कुल मन नहीं किया घर पर बनाने का। तो हम लोग आए हैं बीकानेर जो कि खगौल रोड में है, तो आप लोग को भी साथ में लेके आए, आप लोग भी देखिए कैसा है यहाँ का खाना कैसा है, वो बदलाव बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि व्यू भी काफ़ी ही अच्छा है। तो हम लोग आए हैं बीकानेर में और बउआ खाएगा, क्या खाओगे बाबू बोलो? यहाँ पे छोटा सा बउआ बना लेते हैं, इसको बहुत ही मजा आ रहा है। आयांश भी आया हुआ है हम लोग के साथ। क्या ऑर्डर किया है हम लोग ने क्या ऑर्डर किया है? अभी आएगा वो तब बताएंगे कि हम लोगों ने ऑर्डर क्या किया है, फिलहाल अभी नहीं बताएंगे, सरप्राइज है। तो आप लोग भी एंजॉय करिए हम लोग के इस व्लॉग को, और हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं आप लोग के साथ। बदमाशी कर रहा है ये, आप देख सकते हैं जब तक हम लोग ऑर्डर नहीं आता तब तक तालियां किए जा रहा है। बदमाशी मत करो, लो अपना, चलो इसको ये वाली गिलास चाहिए, इसको आयंस को ये वाली गिलास चाहिए, फोड़नी चाहिए, तोड़ देगा उसके बाद सारा जुर्माना हम लोग भरेंगे। देखिए 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 कैसे लेगा लोग आयंस, यार ऑर्डर भी नहीं आ रहा, जल्दी आ जाएगा यही सो। लो ले लो ले लो, वाह बहुत सारा पानी है इसमें तो, वाह। पाव भाजी जो कि खत्म होने वाला है, बहुत ही मस्त दिया है ये डोसा। हम लोग तो खा लिए लेकिन खुशबू का अभी तक नहीं हुआ है कंप्लीट। कितना बजे तक खा लोगे? 10 बजे तक। और आयांश बहुत ज़्यादा रो रहा है, देख सकते हैं इसको नींद आ रहा है बहुत। खुशबू सोएगा ये बेटा। हम लोग का खाना पीना सब कुछ हो गया, खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ही अच्छा लगा खाने में। और ये आयांश है जो कि सो चुका है, हम लोग को परेशान करते करते सोया है, सोने के लिए रो रहा था। हाँ ये सोने के लिए रो रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो बाकी तो बहुत अच्छा था। आप लोग भी आइए यहाँ पर एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा है फूड कोर्ट, क्वालिटी मम्मी के लिए है, ये घर के लिए माँ के लिए पैकिंग है, इसमें भी वही चीज़ है जो हम लोग खाए हैं, अब उनके लिए ले जा रहे हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं, अब चलते हैं घर चलते हैं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में करके, और जल्दी से आइए फट से बीकानेर खाना खाने के लिए और यहाँ के खाने का मज़ा। सिर्फ केक कटिंग वगैरह तो हुआ नहीं इसलिए वो सब नहीं दिखाया गया, क्योंकि अगर होता तो ज़रूर दिखाते। तो कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग हम आप लोग के साथ ले आते रहेंगे, और इसको जरूर खाइएगा, जरूर से जरूर खाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल।